ये रहा जहाँ फर्स्ट एड बनता है माइनिंग का, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए हम लोग का। देखिए ये मिरर आते टाइम ख़राब हो गया, 3,000 खर्चा अब हो गया मेरा, इस पर लग गया 3,000 लगाया था मैंने मिरर। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी मोटो ब्लॉग्स। अभी हम लोग जा रहे हैं रामगढ़, दोस्त के भाई को थोड़ा फर्स्ट एड वहाँ पे अप्लाई करवाना है, इसलिए हम इस लोग रामगढ़ जा रहे हैं। और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पेट्रोल पंप में, गाड़ी में फ्यूल डलवा लिए, घर के आगे पेट्रोल पंप है वहीं रुके हुए हैं। तो भाई फ्यूल डलवा लिया अभी गाड़ी में, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रामगढ़ की ओर। तो रामगढ़ जाने के बाद इनका फर्स्ट एड अप्लाई करने के बाद देखते हैं कहीं घूमने का सोच रहे हैं वहाँ से। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, आप वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कहाँ फर्स्ट एड बन रहा है माइंस का, और फिर देखते। देखिए पाथरडी का माइंस ऐसे यहाँ पे आग जल रहा है, देखिए धुआं निकल रहा है, देखिए यहाँ पे आग जल रहा है। तो अभी हम लोग बोकारो पार करके बस जस्ट हाईवे पकड़े ही अभी, और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे देखिए हाईवे यहाँ पे। अभी हम लोग पेटरवार पहुँच गए हैं, और ये धनबाद से अगर कोई भी रांची या फिर रामगढ़ जा रहा है तो यहीं पे उसका स्टॉपेज रहता है यहाँ पे। लोग फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि हम लोग का लेट हो रहा है, तो अभी हम लोग रुक नहीं सकते हैं। और अभी हम लोग को जाना है राइट साइड, रामगढ़ का रूट यही है। रामगढ़ का रूट है, यहाँ से लगभग शायद 25 किलोमीटर होगा ना, कितना है? कितना किलोमीटर दिखा रहा है? कितना? 25 ना? हाँ 27। हाँ तो यहाँ से गोला से रामगढ़ बस स्टैंड 27 किलोमीटर है जहाँ आप लोग को जाना है। रामगढ़ बस स्टैंड पहुँच गए हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं लोकेशन कि हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग बस स्टैंड के पास रुके हुए हैं, आगे बस स्टैंड है, 3.8 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग देखिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन रामगढ़, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर, इसका फ़ोटो खींचो ना। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर हम लोग पहुँच गए हैं अपना, थोड़ा सा यहाँ से शायद 200-300 मीटर है अंदर में। चल ठीक किया। ये रहा कौन सा कॉलोनी है, ये CCL कॉलोनी है इधर, जहाँ फर्स्ट एड बनता है माइनिंग का। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर, यही है ऑफिस और यही बनता है। ये है फॉर्म देखिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग वाला, इसी को फिलअप करेंगे अभी हम लोग। अभी यहाँ से लिए हम लोग, पैसा लगा। तो फाइनली अभी हम लोग का काम हो चुका है यहाँ पे, अब यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पतरातू। अभी हम लोग का देखिए ये मिरर आते टाइम ख़राब हो गया, ये पूरा देखिए ऐसे सुहिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देसी जुगाड़ लगाए हैं कुछ, देखिए यहाँ पे। और आज हम लोग का 3,000 का फटका लग गया, ये मिरर हम ख़राब हो गई, फाइनली मिरर गया मेरा। तो 3,000 खर्चा अब हो गया मेरा, इस पर लग गया 3,000 लगाया था मैंने मिरर, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना भी नहीं चला अच्छा से, और ये मिरर ख़राब हो गया। देखिए अभी फिर भी ये अभी हम लोग इस पर फंसा के रखें, टाइट करने का कोशिश किए हैं बट फिर भी ये हिल ही रहा है, और ये चलते चलते ऐसे हो जा रहा है या फिर ऐसे हो जा रहा है। और
आप लोगों ने तो ऑफिस देख ही लिया, माइनिंग वाला कहाँ पे है, रामगढ़ बस स्टैंड से करीबन वही 3 किलोमीटर है। और आप लोग जो कोई भी अगर यहाँ पे फर्स्ट एड बनाने आ रहा होगा तो आप एक बार लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है एनी कार सर्विस, इसी के जस्ट अपोजिट में है ये, और यहाँ आपको बोर्ड दिख जाएगा, तो लोकेशन आपको मैंने बता दिया। और ये रहा गेट, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट चॉइस एक सर्विस सेंटर है कार का, उसी के जस्ट अपोजिट में है और सामने पुल है। अभी हम लोग पतरातू डैम पहुंच गए हैं और फाटक के पास रुके हुए हैं, देखिए यहाँ इस तरफ है फाटक और यहाँ पे अभी रुके हैं और अभी आगे जाएंगे, तो सोचे एक दो फोटो क्लिक कर ले यहाँ पे। और फाइनली हम लोग अभी पतरातू डैम पहुंच गए हैं और आज मंडे है तो उतना भीड़ नहीं है, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, संडे को तो यहाँ गाड़ी पार होने में दिक्कत हो जाता है। पहले सब एक भी दुकान नहीं था पता है, कुछ नहीं था यहाँ, अभी देख रहा है जो गेट देखो। और अभी हम लोग पतरातू वैली आ गए हैं, यहाँ से वैली शुरू हो जाता है, और अभी हम लोग पतरातू सेल्फी पॉइंट के पास रुके हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पतरातू का बोर्ड लगा हुआ है, देखिए भीड़ है लेकिन संडे जैसा भीड़ नहीं है, संडे के दिन बहुत भीड़ होता है। यहाँ पे भी अच्छा आता है, यहाँ पे अच्छा व्यू दिखता है। रुके का वहां से एकदम दिखता है। क्योंकि अभी हम लोग को नॉन स्टॉप बाइक चलाना होगा क्योंकि लेट हो गया, अभी घर पहुंचने में हम लोग लेट हो जाएगा। देखिए अभी भोला टोल टैक्स के पास रुके हुए अभी, और गोप्रो का बैटरी डेड हो गया इसलिए हम लोग कंटिन्यू वीडियो बना नहीं पाए उस टाइम। और अभी हम लोग खाना वगैरह सब कुछ खा लिया, अभी सोच रहे पेटर बार में रुकेंगे, तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।